सर्दियों में इन तीनों हमारे बुजुर्गों के इन पिंडलियों में बहुत दर्द होता है, बहुत जकड़न होती है, स्टिफनेस रहती है और इतना दर्द होता है कि कई बार वो चलने के लायक भी नहीं होते। तो आखिर क्या कारण है पिंडलियों के दर्द का? तो पिंडलियों में दर्द हमारे कई वजह से हो सकता है। सबसे पहला है विटामिन B12 की कमी होती है, उसकी वजह से भी हमारे मसल्स में पेन होता है या फिर काफ मसल्स में, या फिर हम बहुत ज्यादा देर पैरों को लटका कर रखते हैं तो ग्रेविटी की वजह से हमारा ब्लड सर्कुलेशन नीचे तो हो जाता है बट ऊपर की तरफ नहीं पहुंच पाता, तो एक रीजन ये भी बन जाता है। या फिर अगर कहीं कभी पास्ट में आपके कुछ टूट फूट हुई हो तो मसल स्पाज, जब मसल्स की पूरी रिकवरी नहीं हुई है उस टाइम, तो ये बाद में आफ्टर इफेक्ट्स के रूप में भी आपके दिखता है। तो सबसे पहले हमारा जो ट्रेडिशनल प्रोसेस है वो ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल मसल्स क्रैम्प्स है तो आप सिर्फ मसाज के थ्रू इसको दूर कर सकते हो। तो हमने इसमें क्या किया है कि अपने द्वारा बनाई हुई तेलों को इस्तेमाल किया है। आप कोई भी तेल ले सकते हैं, सरसों का तेल, नारियल का तेल, और इसमें आप हल्दी, लहसुन और अजवाइन को पका के आप दर्द निवारक तेल बना सकते हैं। अब हमने इस तरह से अप्लाई कर दिया और ध्यान रखें कि बैक ऑफ द नी से, ये घुटने के पीछे से आप इस पे प्रेशर डालेंगे और थंब की सहायता से बहुत तेज प्रेशर लगाते हुए अपने उंगलियों को आगे की तरफ इस तरह से लाएंगे। तब तो बहुत पेन होगा पेशेंट को, उस समय बहुत पेन होगा, लेकिन बाद में वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हो जाएगा। अब कई बार क्या होता है कि हम चलते चलते कई बार क्या होता है कि मसल्स हमारे वीकनेस भी आ जाती है। मसल्स में जो बहुत एथलीट रहे हैं अपने टाइम के, एक सर्टन एज के बाद बुजुर्ग जब हो जाते हैं तब उनमें मसल्स के इतने थकावट हो जाती है कि उसके बाद भी वो दर्द होना शुरू हो जाता है। तो हम नॉर्मली इस मसाज को करेंगे तो हमारे रिजल्ट जो है 15 से 20 दिन में आने शुरू हो जाएंगे और एक महीने के नियमित मसाज से इस समस्या को हम दूर कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि हमें अदरक का अधिक से अधिक इस्तेमाल जरूर करना है और अपने पानी को पैरों को पानी में, गर्म पानी में सेंधा नमक के साथ डुबा के और उसे रखना है। तो ये हमने कर दिया मसाज, अब इसकी कंप्लीट हो जाएगी। लगभग आप 20 से 25 मिनट की ये रेगुलर मसाज दे दें। इसके बाद, इस मसाज के बाद आप इस तरह से थपकी मसाज जो है ये थपथपाते हुए, ताकि ब्लड का सर्कुलेशन जो है बिल्कुल प्रॉपर हो जाए, सारे नसें जो हैं, सारे मसल जो हैं हमारे डिस्टर्ब हो जाएंगे और वो अपना काम जो है रिलैक्स होके बाकी बाद में बहुत अच्छे से करने लग जाएंगे। तो इस तरह बारी बारी से आप मसाज के अलग अलग टेक्निक लेके आप कर सकते हैं। और अब मार्केट में अवेलेबल हमारे इस तरह के मसाजर होते हैं, रोलर होते हैं, तो आप सिंपल कोई भी ले सकते हैं और इस तरह इसको सर्कुलेट करना है बहुत तेज 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 से, हल्का सा प्रेशर देके और आप इस तरह से इसको सर्कुलेट करते रहें। इससे भी हमारे मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे। अब क्या करना है, हमें ध्यान ये रखना है कि हमें स्ट्रेचिंग डालनी है, यानी काफ मसल्स को हम स्ट्रेच करेंगे तो भी हमारा मसल जो है वो रिलैक्स होगा और तकलीफें जो है हमारी दूर होती चली जाएगी। तो मसल्स को स्ट्रेचिंग के लिए बहुत सारे एक्सरसाइज अवेलेबल हैं, तो वो आप कर सकते हैं, उससे भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। आप दूसरी चीज कि राउंड 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 आप पैरों को सिंपली कर सकते हैं, या फिर अब क्या करना है कि आपने हाथ को यहाँ रखा और इस पैर को इस तरह से आपने दबाया, पहले हाथ की सहायता से, इसके बाद धीरे 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 आपने यहाँ पे मुट्ठी बनानी है, इसके बाद आपको इस पे प्रेशर दबाते हुए इसको अंदर की तरफ मोड़ना है। होगा क्या, जब आपने मुट्ठी बनाई तो यहाँ पे जब आप इस पोर्शन को ला रहे हैं तो यहाँ जो है नसें दब रही है, मसल्स दब रहे हैं। अब आपने यहाँ से ब्लड सर्कुलेशन को रोक दिया, फिर आपने इसको रिलीज कर दिया, अगेन ब्लड का सर्कुलेशन फ्लो जो है वो बढ़ गया। तो लगातार अगर हम इस प्रोसेस को करेंगे, इस एक्सरसाइज को घर में बुजुर्ग को कराते रहेंगे, तो वहां से भी इनको रिलैक्स जो है वो मिलता रहेगा। और थोड़े से फूड में हमें ध्यान रखना है, सप्लीमेंट्स ले लेंगे हम विटामिन B12 की, और अगर इस नियमित एक महीने की एक्सरसाइज से भी, मालिश से भी आपकी बीमारी दूर नहीं होती है तो आपको जरूर अपने किसी चिकित्सक से परामर्श ले लेनी चाहिए। मैं लीना श्रीज्ञान, नेचुरोपैथी एंड ऑल्टरनेटिव थेरेपी एक्सपर्ट नई दिल्ली से, मुझसे मिलने के लिए करनाल पस के नंबर पे जरूर संपर्क करें। थैंक यू।